अरे आजा मेरी मौत का तमाशा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा सेकंड व्लॉग है, बड़ा इवेंट होने वाला है क्योंकि हमारा अब रेडी हो चुकी है सब कुछ, हमारा यहाँ पर पैकिंग वैकिंग सब रेडी है और अब हम निकलते हैं। लाइक्स फ्री है, सब्सक्राइब फ्री है, सब कुछ फ्री है गाइस, कंजूसी मत करो, कर दो। Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. तो गाइस मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख और मैंने सोचा कुछ ना कुछ खा ली जाए क्योंकि अंदर कुछ खाने को मिला नहीं मिला, इवेंट बहुत लंबा होने वाला था। तो मैंने छोले तो फटाफट से मैंने एक ऑर्डर दे दिया कि भैया एक बना दो, और जब उन्होंने बनाना शुरू करा और मैंने तो कुछ रेसिपी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ इस तरह से बनता है। तो गाइस इतना पता लगा कि मैदे से बनता है और मैंने जब इसको टेस्ट किया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लिटरली दिल्ली के लोग कैसे खाते हैं मुझे नहीं। फटाफट से जो है एक प्लेट बनवा ली और फिर मैंने इसको टेस्ट किया तो गाइस मैं लिटरली बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई दिल्ली के लोग कैसे खा लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी प्रोटीन की मात्रा नहीं थी, ये सब ऑयली था बहुत ज़्यादा और धूल डस्ट वगैरह ये सब चीज़ थी। तो मैंने खाया और मैंने 4 से 5 बाइट खा के वहीं के वहीं छोड़ा। भाई पोस्ट करके दिखा रहा हमारी पब्लिक को, देखो ना बहुत ही यूनिक स्टैंड करते हुए भाई हमारा बिल्कुल नहीं हिल रहा है, देखो कितना इतनी परफेक्शन जो है ना उसने प्रैक्टिस की हुई है ना कि भाई आप देख सकते हो कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है भाई ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेश, स्वागत है आप सभी का महात्मा जी चंडीगढ़ में। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। नाना पाटेकर हमारे अमरीश भाई बोल। आगे आगे मेरी मौत का तमाशा देखने, आप मुझे लटका देंगे, सुबह नहीं थी बाहर आएगी आंखें बाहर आएगी है, थोड़ी देर लटकता रहूंगा फिर मेरे भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप लोग थोड़ी देर चर्चा करोगे घर चले जाओगे खाना खोगे सोचो कुछ नहीं बोलो Thank you so much.